तो गाइज़ अगर आपने ध्यान दिया होगा कि मैंने कुछ दिनों से कुछ नहीं किया और अब वो आ गया। लाइक मैं बहुत ज़्यादा मुसीबत में हूँ, मुझे नहीं पता मैं क्या करूँ। मैं आपको दिखाता हूँ, 2 मिनट रुको। ओके तो गाइज़ यहाँ पे मेरा कैमरा ऑन हो चुका है, यहाँ पे हम जाते हैं। एंड गाइज़ ट्रबल सच्ची में यहाँ पे है। अगर मैं इसको खोलता हूँ भाई, इतनी सारी कुकीज़ आ चुकी हैं, हमने खाई नहीं गाइज़ कितने दिनों से। ये देखो ये भाई, ओके ओके, शिट शिट शिट, ये भी भरा पड़ा है। हमें और कहीं जाना पड़ेगा, जल्दी चलते जल्दी चलते जल्दी चलते हैं। मैं बता दूँ आपको और कहाँ कहाँ पड़ा है। ओह शिट गाइस, यहाँ पे बहुत सारा पड़ा है, बहुत ज़्यादा ही है, बहुत ज़्यादा है गाइस। हमें इनको ख़त्म करना ही पड़ेगा आज के आज। सो हे बर्ड्स, तो कितने किस तरह यार आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे चैनल ट्रिगन पे। एंड वे आर अगेन प्लेइंग बर्ड स्काई ब्लॉक सीजन 2। यप गाइस, वी आर फाइनली बैक विद बर्ड स्काई ब्लॉक सीजन 2 एपिसोड नंबर 12 या 11, मुझे नहीं पता। लेट्स प्रेज बिगिन टू आवर वीडियो गाइस। कुछ जैसे मैंने आपको बताया कि अभी हमारे पास ट्रबल है, तो ट्रबल देखो गाइस कुकीज़ का है। आपको पता होगा मैं बहुत टाइम से इसको अवॉइड कर रहा हूँ, बट ये तो कुछ ज़्यादा ही भर गया। लाइक मेरे को पता था कि काफ़ी ज़्यादा मिलता है, बट ये तो कुछ ज़्यादा ही था। लाइक आधा से ज़्यादा बैरल मेरा वैसे ही भरा पड़ा है। एंड अभी ये सारी चीज़ें, वेट मिनट, पर आज इसे ख़त्म करने की ट्राई करूँगा मैं। ले लेता हूँ सबसे पहले तो सारे सारे कुकीज़ ले लेते हैं। एंड यहाँ पर भी है भाई, मारो मुझे। ओके तो गाइस इतनी सारी कुकीज़ होगी, ये देखो इधर भी भरी पड़ी है। एंड आधे ज़्यादा मैंने इस चेस्ट के अंदर डाल के रखी है, ये देखो ये भी ऑलमोस्ट भर ही चुका है ये चेस्ट भी, ठीक है। सो बेसिकली पहले आज का क्वेस्ट की बात कर लेते हैं। हमने 7th क्वेस्ट कंप्लीट कर लिया, एंड 8th क्वेस्ट है हमारी गोल्ड वाली। तो देखो उसको कंप्लीट करने के लिए हम गोल्ड फार्म बनाने वाले हैं, एंड ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा। लाइक हम छोटा वाला गोल्ड फार्म बनाएंगे, ठीक है। तो उसके लिए जो है लावा चाहिए, लावा इसलिए चाहिए क्योंकि आपको ऑब्सीडियन चाहिए, एंड ऑब्सीडियन के लिए आपको मैग्मा ब्लॉक्स को जो है थोड़ा सा ये करना पड़ेगा स्मेल्ट। एंड मैंने आपको बताया था कि आप अगर डबल कंप्रेस कबल स्टोन को स्मेल्ट करते हो तो आपको मैग्मा ब्लॉक्स मिल जाते हैं। तो आपको बस 5 स्टैक के अराउंड चाहिए, या 5 स्टैक चाहिए आपको, ठीक है। मैंने जितना काउंट किया है मुझे जहाँ तक लगता है हमको 5 ही स्टैक चाहिए, ठीक है। तो 5 स्टैक ले लेते हैं। एंड हमको बकेट्स वगैरह चाहिए रहेंगी बहुत सारी भर के। ओके तो गाइज आई थिंक सो हमारे पास 40 हो चुके हैं, एंड थोड़े से एक्स्ट्रा हो गए, मैंने आई थिंक सो मिस कैलकुलेट कर लिया होगा, बट ठीक है हमको इतने चलेंगे। अब हमको चाहिए होपर, चेस्ट एंड ग्लासेस थोड़े बहुत, ठीक है इतना ही सामान चाहिए। एंड एक वेट अ मिनट, मैं ये चीज़ उठा के ले गया था। ऑल राइट, तो पिस्तन जो है हमारे पास है, बट हमें जो है स्टिकी वाले नहीं चाहिए, हमें नॉन स्टिक चाहिए। तो वेटामिन में बनाता हूँ एक एक करके, एंड देन आते हैं। ओके ओके, तो कुछ जितना भी सामान चाहिए वो मैंने फिलहाल इकट्ठा कर लिया है, एंड थिंक इतना ही सामान चाहिए, इससे ज़्यादा मुझे लगता नहीं। ग्लास आई थिंक तो थोड़े से और पड़ेंगे, एंड कबल स्टोन है मेरे पास थोड़े से, ठीक है वो भी काम हो जाएगा। एंड ब्लॉक्स लाइक ये सारे हैं, आयन वगैरह मैं रख देता हूँ, मुझे लगता नहीं कि आयन की अभी और ज़रूरत है, तो इसको यहीं पर रख देते हैं। एंड सर्कल सेल्स को भी रख ही देते हैं ना, इसकी भी कोई ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। ऑलराइट, तो लेट्स बिल्ड इट, अभी चलते हैं इसको बिल्ड करने, अपनी जगह देख लेते हैं कहाँ पे इसको बिल्ड करना है हमको, ठीक है। ओके तो गाइस इसको जो है हम यहीं पे बिल्ड करेंगे, क्योंकि यहाँ पे ना ऑलमोस्ट जगह भर चुकी है, एंड वो थोड़ी सी जगह आई थिंक सो उसके साथ क्लोज करेगी, तो हम इसको यहीं पे बिल्ड करते हैं। एंड आई थिंक सो यहाँ कहीं पे बिल्ड कर लेते हैं इसको, ठीक है। तो सबसे पहले हमको चेस्ट वगैरह लगानी पड़ेगी, तो चेस्ट के लिए जो है सबसे पहले मैं जगह यहाँ से तोड़ लेता हूँ, 4x4 का, सॉरी 1x1 का, 4x4 क्या कह रहा हूँ मैं। ओके तो ये जगह पे अब हॉपर्स वगैरह अटैच कर देते हैं। एंड देन हमको जो है यहाँ पे स्टोन ऐड करने हैं इजी पीजी। वेट अ मिनट, एंड बस यार काफ़ी नॉर्मल सा फार्म है, लाइक इतना भी ज़्यादा मुश्किल फार्म नहीं है, बट ठीक है मैं इसका ट्यूटोरियल दिखा रहा हूँ पूरे पूरा। एंड देन हमको एक रेल चाहिए, एंड यप रेल यहाँ पे लगा देंगे, एक ही ब्लॉक पे रेल लगाना है हमको, ज़्यादा पे लगाना नहीं है, क्योंकि वो ऊपर जो हमारा ऊपर किलर होगा ट्रेन के लिए, वो घूम घूम के ऑब्वियस बात है सामान तो कलेक्ट कर ही देगा ना, ठीक है। सो हमको ये ऐसे ढक देना है, इसको यहाँ पर डाल देना है, एंड अब इसको यहाँ से भी ढक देना है, ठीक है। नप नप आई थिंक सो, वेट अ मिनट,
ये हमारी स्टैंडिंग पोजीशन होगी ना, यप ये हमारी खड़े होने की जगह होगी। एंड ये जगह को भी रख दो। एंड यहाँ पे आएंगे आप पिस्टन्स, वेट अ मिनट, यप यहाँ पे आएंगे ऐसे पिस्टन्स। ओ यप गाइस यहाँ पे आ गए पिस्टन। अब इसके नीचे आएंगे हमारे हॉपर्स, ठीक है। यहाँ कहीं पे जो है हॉपर्स आएंगे, वेट अ मिनट, वो सॉरी हॉपर्स नहीं, ऑब्जर्वर्स, ऑब्जर्वर्स आएंगे एंड रेडस्टोन टॉर्चेस आएंगे, ठीक है। ओके तो गाइस ऑब्जर्वर जो है यहाँ पे आएंगे, देखो जैसे कि वेट अ मिनट मैं ब्लॉक तो लूँ पहले। देखो जैसे यहाँ पे पिस्टन है एंड यहाँ पे ब्लॉक है, तो यहाँ पे ऑब्जर्वर आएगा, ठीक है। एंड फिर से हमको सेम चीज़ करनी है, पहले मुझे ये ब्रेक करने दो। यहाँ पे ब्लॉक आएगा, यहाँ पे ब्लॉक आएगा एंड यहाँ पे ऑब्जर्वर यहाँ पे फेस करेगा, ठीक है। वेट अ मिनट गलत हो गया, ओले तो ये भी हो गया। एंड सेम चीज़ अब यहीं पे हमको फॉलो करनी है, ओके। तो अभी हमको आगे वाले तोड़ देने ऑब्जर्वर के, ठीक है, ये वाले ब्लॉक तोड़ देने हैं। वेट अ मिनट, ये भी हो गया। एंड अब इनके आगे जो हमको रेडस्टोन टॉर्चेस लगा देनी है, ठीक है। ओके तो गाइस देख सकते हो ये चलना शुरू हो चुका है। एंड बाकी जगह तो आप ढक दो ऐसे करके। ओके तो गाइस इसको स्टॉप करने के लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, आपको एक लीवर लेना है। वेट अ मिनट, लीवर ले लेते हैं हम। एंड आपको ऑब्जर्वर के ऊपर एक लीवर लगा के इसको रोक देना है, ठीक है। ये अब यहाँ पे देख सकते हो आपने, हो गया। ओके अभी भी नहीं हुआ, ठीक है कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आई थिंक सो मुझे पिस्टन को ही रोकना पड़ेगा। यप नोप 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 नोप, ये अभी भी जा रहा है। मुझे शायद ब्लॉक को रोकना है, वेट अ मिनट, आई थिंक तो मैं इस ब्लॉक को रोकता हूँ। शुक्र है गाइस फाइनली ये रुका, ठीक है। तो आई थिंक तो आप देख सकते हो आपका ट्राइडेंट के लिए रेडी हो चुका है, बस आपको शेट। ओके ये क्या हो रहा है? ओ यार टॉर्चेस ये पिस ब्लॉक को पावर कर रही हैं, ठीक है। मुझे यहाँ पे ग्लास ब्लॉक लगाना पड़ेगा आई थिंक सो। ओके तो गाइस यहाँ पे आप ग्लास ब्लॉक लगा लो एंड यहाँ पे जो है ब्लॉक लगा लो। मुझे नहीं पता था कि ऐसे पावर भी कर सकता है ये, ठीक है। बट ओके एंड इसको भी यहाँ से हटा के यहाँ पे ग्लास ब्लॉक लगा दो, ठीक है। तो अभी आपको जो है ये पूरा पूरा फार्म रेडी। यहाँ पे आप स्लैब लगा सकते हो जिससे आपका हो जाएगा, ठीक है। एंड नाउ अभी आपको जो है यहाँ से ग्लास लगाना शुरू करना है एंड कुछ 10 या 11 ब्लॉक ऊपर जाओ आपकी मर्जी के हिसाब से, ठीक है। एंड उससे पहले इसके अंदर ट्राइडेंट फेंक देना है जिससे आपका एक ट्राइडेंट कलर तैयार हो जाए, ठीक है। तो मैं जाता हूँ यहाँ से 10 ब्लॉक ऊपर, एक हो चुका है तो हम जाते हैं 2 3 4 5 6 8 9 9 10, ठीक है। तो 10 ब्लॉक ऊपर आ गए तो बस हमको यहीं से कूद जाना है एक मिनट एंड स्कैफोल्डिंग लगाना शुरू करना है, ठीक है। ओके तो फार्म में मेन चीज़ आती है हमारे ऑब्सीडियन लगाना, तो ऑब्सीडियन लगा लेते हैं। आपको जो है यहाँ पे सीधा देखना है जो होगा हमारे वेस्ट साइड, अगर आप मिनी मैप होगा तो आप जो है लेफ्ट साइड की तरफ देखना, वही आपका वेस्ट साइड होता है, ठीक है। तो आपको वेस्ट साइड में ही लगाना है इसको, ठीक है। तो हम ऊपर चलते हैं एंड हमारा वेस्ट साइड देखो ये सामने ही है, ठीक है, पहले ऑलरेडी काउंटेड है ये, ठीक है। आप पर अपना देख लेना कि आपका वेस्ट साइड का है। तो हम यहाँ पे एक प्लेस करेंगे एंड अब यहाँ से हमको 4 ब्लॉक जाना है, 2 3 एंड 4 4, ओके नहीं 5 ब्लॉक जाना है यहाँ से, ठीक है, ये हो गया। एंड लास्ट में आप एक जो है नॉर्मल स्टोन लगा दो, टेम्प्रेरी या जो है एकदम डिज़ाइन के लिए बस, ठीक है। एंड अब सेम आपको यहाँ से जाना है 1 2 वेट अ मिनट 3 4 5, ओके ये हो गया। एंड वेट अ मिनट
तो अब आपको ऊपर 10 ब्लॉक जाना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11वां, ठीक है। तो अब आपको जो है नीचे जाना है, लीडर है ये आपके पास, तो नीचे चले जाओ एंड अब यहाँ से भी 10 ब्लॉक प्लेस कर दो, 1, 2, 3, 8, 9 एंड 10। तो ये बन जाता है हमारे 10x10 का प्लेटफॉर्म, सॉरी प्लेटफॉर्म नहीं, एक नेदर पोर्टल, ठीक है। तो अब चलते हैं आराम से नीचे। ओके, अभी भी ऊपर काम है, ऐसा नहीं है कि ऊपर का काम ख़त्म हो गया, अभी भी ऊपर बहुत काम है, ठीक है। बट अभी के लिए फ़िलहाल का तो ऊपर का काम ये जो था ये ख़त्म हुआ एंड हमें नीचे का कोई काम ही नहीं है, सारा काम ऊपर का ही। मैं थोड़ा सा बस सामान लेने के लिए आया हूँ यहाँ पे, बैठे मिनट। अब हमको चाहिए थोड़े से ये सारी चीज़ें ले लो आपके पास, ये जितनी भी है, रिपीटर, रेडस्टोन के टॉर्च, ये सारी चीज़ें एंड रेडस्टोन भी ले लो, ब्लॉक की आई डोंट थिंक की जरूरत पड़ेगी एंड कुछ सॉलिड ब्लॉक भी ले लो, ठीक है। एंड अब चलते हैं वापस से ऊपर। ओके, तो सबसे पहले आपको ग्लास से जो है यहाँ पे प्लेटफॉर्म बनाना है जहाँ से वो लोग आके इसके अंदर पिट के अंदर गिरेंगे, ठीक है। सो आई थिंक सो कि यहीं से ले जाते हैं इसको। एंड आपको इसको भी आगे लेके जाना है एंड यहाँ से इसको क्लोज कर रहा है, ठीक है। अब वेट, मैं ठीक है कर रहा हूँ, यहाँ से इसको जो है बंद कर दो, ठीक है। एंड वो कोने वाले आप तोड़ सकते हो, जैसे कि यहाँ से अगर आप तोड़ना चाहो तो यू कैन ब्रेक इट, ठीक है। वेट, मैं ये तोड़ ही देता हूँ। ऑल राइट, तो ये भी हो गया। अभी आपको इसको एक हाइट ऊपर कर देना है जिससे ये लोग जो है जोम्बी पिगलिन जो है, मतलब नहीं जोम्बी पिगलिन नहीं है इसके अंदर वो है पिगमैन है ना, या मैं 14 में खेल रहा हूँ तो पिगमैन जो है यहाँ से जंप ना कर दे, ठीक है। तो हमको इस जगह को पूरा क्लोज कर देना है। ओके, तो ये हो गया एंड अब हमको बनाना है ब्रेकर, जो ब्रेकर बनेगा हमारा इस साइड पर, ठीक है। एंड ब्रेकर के लिए जो है हमको सबसे पहले एक ब्लॉक प्लेस करना है इसके नीचे एंड एक ये, एंड अब यहाँ पे जो है हमको वो प्लेस करना है। वेट, मुझे शायद नीचे जाना पड़ेगा इसके लिए, तो ओके ठीक है, बाद में आते हैं ऊपर। ओके, तो आपको कहना है आपको ये वाला ब्लॉक ब्रेक करना है एंड ऑब्जर्वर ले लेना है एंड नीचे आना है एंड ऐसे प्लेस कर देना, ठीक है। एंड जो ऊपर वाला ऑब्जर्वर है, वेट मिनट यार ये ऊपर क्यों नहीं जा रहा। ओके, तो आपको ये वाला ऑब्जर्वर ब्रेक करना है एंड अभी प्लेस नहीं करना, ठीक है। उससे पहले जो आपको एक स्टिकी पिस्टन प्लेस करना है यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे ऐसे प्लेस कर देना है एंड हाँ सॉरी गलत प्लेस कर दिया शायद मैंने। ओके, ये आप ऐसे प्लेस करना है एंड बीच वाले ब्लॉक को हटा देना है, ठीक है। एंड अभी आपको ऊपर जाना है, वेट अ मिनट, थोड़ा सा और ऊपर जाना है आपको एंड यहाँ पे ये नॉर्मल ये जो ऑब्जर्वर है आपको ये प्लेस करना है, ठीक है। तो अभी ये टिकिंग बनना कर देगा शुरू, ठीक है। ओके, तो ये हो गया एंड अभी आपको जो है यहाँ से ब्लॉक लेके आने हैं नीचे, ऐसे देखो इस तरीके से ऐसे ब्लॉक लेके आने हैं। ओके, ठीक है। एंड आई थिंक सो ये इतना इनफ है, ठीक है। एंड इसके एंड पे एक लीवर लगा देना, पर उससे पहले आपको ये एक एक ब्लॉक ब्रेक कर देना, ठीक है। ओके, तो क्या जैसे आप सारे ब्लॉक ब्रेक कर दोगे देन आपको टॉर्चेस लेने हैं एंड टॉर्चेस लगाते जाना है इधर, ठीक है। एंड लास्ट जो ब्लॉक है उस पर जो है आपको एक लीवर प्लेस करना है, वेट मिनट, एंड इसे फ्लिक करना है। ओके, तो फ्लिक करते देखो वहाँ से वो हट गया तो हमारा क्लॉक जो है रुक चुका है, ठीक है। ऑलमोस्ट फार्म रेडी है, बस आपको अब सबसे टॉप पे जाके जो है इसका लाइटर लगाना है, ठीक है। एंड लाइटर के लिए भी आपको दो ऑब्जर्वर जो मैं लेके आता हूँ, एंड नहीं आई डोंट थिंक हमें ऑब्जर्वर चाहिए, वेट मिनट मैं देख लिया, ऑब्जर्वर लेके आ गया। तो अभी हमको जाना है टॉप पे एंड चलते हैं जल्दी से ऊपर।
ओके, तो अभी आपने देखो यहाँ पे लाइटर बनाया, तो एकदम ऑपोजिट साइड पे जाके जो है आपको ब्रेकर बनाना है इसका, सॉरी लाइटर, ये ब्रेकर बनाया आपने, अभी आपको लाइटर बनाना है इसका, ठीक है। ओके मैं इधर आ जाता हूँ, मैं थोड़ा सा ज़्यादा ही ऊपर आ चुका हूँ, थोड़ा सा नीचे चलते हैं। आई थिंक सो ये सही रहेगा। ओके, तो आपको यहाँ पे दो तीन ब्लॉक प्लेस करना है, एंड यहाँ पे आ जाना है आपको एक दो, एंड तीसरे ब्लॉक पे यहाँ से ऊपर खींच लेना है इसको, एंड फिर से एक यहाँ पे, एंड यहाँ पे दो ऑब्जर्वर प्लेस कर देना है, ठीक है। एंड यहाँ पे तीसरे पे एक ब्लॉक प्लेस करना है, एंड इस ऑब्जर्वर को ध्यान से ब्रेक करना है कि ये नीचे ना गिर जाए। ओके यप, एंड यहाँ पे अब आपको ये वाला ऑब्जर्वर, ओके वेट अ मिनट, गया गाइस, टेक टू गाइस, फिर से करते हैं इसको। ओके तो यहाँ से अब ये जाता थोड़ा सा रिस्की है, तो हम यहाँ पे ब्लॉक प्लेस कर देंगे, एंड अभी जो है हमको दो ऑब्जर्वर यहाँ पे ऐसे प्लेस करने हैं, प्लीज़ हो जाइए। ओके हो गया, और एंड अभी क्राफ्टिंग टेबल से आपको दो ट्रैपडोर बना लेने हैं जंगल के, लाइक जो भी ट्रैपडोर बना सकते हो बनाना, पर वुडन होने चाहिए, ठीक है, और कोई नहीं, वुडन होने चाहिए। एंड ये भी हो गया, एंड अपने इसको तोड़ लो क्राफ्टिंग टेबल को, एंड ऑलमोस्ट लाइटर भी हमारा जो है हो चुका है, हम पूरी जगह को कवर कर दो, ठीक है। ओके तो ये भी हो गया, शिट मैं अंदर क्यों गिर गया। ओके अभी आपको अपने ट्रैप डोर्स को खोल देना है, एंड लावा के बकेट डाल देने हैं गाइस, लावा के बकेट तो नीचे रह गए। ओके तो सबसे पहले आप एक वाटर की बकेट जो है इसके अंदर डाल दो, ठीक है, यहीं पे डाल दो, एंड वेट अ मिनट, अभी आपको कुछ बटन बनाने हैं, वेट अ मिनट मैं बटन बना लेता हूँ। एंड आई थिंक सो हमको ना इसको थोड़ा सा लोअर करना पड़ेगा, वेट अ मिनट, एक दो तीन चार पाँच, नहीं करना नहीं पड़ेगा, करना नहीं पड़ेगा, आपको बस यहाँ पे बटन लगा देना है, एक बटन यहाँ पे, एक बटन यहाँ पे, एक यहाँ पे, एंड एक यहाँ पे, ठीक है, ये हो गया। एंड एक जस्ट इसके एकदम ऐसे यहाँ पे लगा दो, ठीक है। एंड आई थिंक सो इसकी कोई इतनी प्रॉब्लम होगी नहीं, वेट अ मिनट, हो भी सकती है क्या पता, बट ठीक है यहीं पर रहने दो बटन को, आई थिंक सो इमीडिएटली पिक कर लेगा तो कोई होगा नहीं प्रॉब्लम, ठीक है। तो अब हम चलते हैं सीधा ऊपर, एंड यहाँ पर डाल देते हैं अपने लावा को, ठीक है। ओके तो लावा भी यहाँ पे चला गया है, एंड देख सकते हो पोर्टल वर्क करना शुरू भी कर दिया इतनी जल्दी। एंड मुझे जाना है इसके अंदर थोड़ा सा, वेट अ मिनट, एंड यहाँ पे आपको वाटर बकेट डालनी है चार, ठीक है। अभी ना मुझे यार ये थोड़ा सा ब्रेक चाहिए, थोड़ा सा रुको, इसको तोड़ देता हूँ। ओके तो यहाँ पे वेट अ मिनट, तो यहाँ पे आपने पानी डाल दिया, एंड यहाँ पे भी सेम आपको यहीं पे पानी डाल देना, ठीक है। एंड यहाँ पे डालने के बाद आपको इसको ग्लास को ब्रेक करके ऑब्सीडियन लगा देना है वापस से, एंड ये भी हो गया। अब आप नीचे जा सकते हो, एंड आपका पूरा का पूरा फार्म जो है वर्क करेगा, बस आपको ट्राइडेंट किलर और लगा देना है, ठीक है। एक बार मैं वो ले आता हूँ, ट्राइडेंट किलर ले आता हूँ अपने, सॉरी ट्राइडेंट ले आता हूँ, ट्राइडेंट किलर क्या बोल रहा हूँ, ट्राइडेंट लेके आता हूँ 2 मीटर को। तो आपको नॉर्मल वाला ट्राइडेंट चाहिए, ना ही लॉयल्टी वाला, ना ही रिप्टाइड वाला, ठीक है, दोनों में से कोई नहीं चाहिए, आपको नॉर्मल ट्राइडेंट चाहिए, ठीक है, तभी ये वर्क करेगा, नहीं तो भाई नहीं वर्क करेंगे, ठीक है। रिप्टाइड वाला एक तो आप फेंक नहीं सकते, लॉयल्टी वाला आपके पास वापस आ जाएगा, ठीक है, तो कोई चांस नहीं है इसका। तो अभी आप इसको फेंक दो अंदर, एंड इसे कर दो बंद। ओ ये गाइस अभी जो है इसको चालू करते हैं, एंड ये देखिए तो ट्राइडेंट तो कर रहा है, बस हमको एक स्लैब लगा देना है इधर, जो मैं स्टोन का बनाऊंगा। और मेरी क्राफ्टिंग टेबल कहाँ है, वेट अ मिनट, ये रही। ओके तो फाइनली गाइस ट्रेंड के लिए रेडी है, आपको बस यहाँ पे खड़े रहना है एक्सपी के लिए, एंड अपनी तलवार पकड़ लेनी है अपने हाथ में, एंड जो भी सजावट का काम है वो भाई खुद देख लो, मैं नहीं बता रहा, ठीक है। एंड अभी मैं थोड़ा सा एफके करूँगा थोड़े से गोल्ड ब्लॉक्स के लिए, तो मिलते हैं थोड़ी देर बाद में, ठीक है। ओके तो आई थिंक सो इतना AFK काफ़ी रहेगा, मैंने 1 घंटा AFK किया, एंड थोड़े से माइनकार्ट और डाल दिए, क्योंकि सामान ना थोड़ा सा आने में प्रॉब्लम हो रहा था। देखो XP आपको लग नहीं रहा होगा कि इतना है, ठीक है, बट मेरी सवर्ड के अंदर लूटिंग 3 है एंड शार्पनेस 10 है, तो इसके हिसाब से जो हमको सामान मिलता है वो डबल मिलता है, ठीक है।
तो एक्सपी तो देखो वही है, कम मिलेगी आपको क्योंकि ये इतना बड़ा फार्म नहीं है एंड ये पोर्टल ना थोड़ा सा छोटा है, तो इसलिए ज़्यादा स्पॉन भी नहीं हो रहा है, ठीक है। तो बट यहाँ पे आप चेक करो भाई, ये है असली माल पत्ता एंड आई थिंक तो इसके अंदर और पड़ा होगा, वेट अ मिनट मैं देख लेता हूँ, ठीक है। तो अभी मुझे सभी को निकाल के जो है, सबसे पहले तो मैं सिर्फ इनगट्स को निकालूंगा। एंड लेट्स क्राफ्ट डैम, वेट मिनट ये रहा इधर। ओह गाइस ये तो इसी में कंप्लीट हो जाएगा, मुझे लगता नहीं, मुझे सभी को करना पड़ेगा, ऑलमोस्ट इसी के अंदर हो जाएगा। एंड नगेट्स वगैरह भी बहुत सारे आए रखे हैं, ओके 64 हो भी गया, बहुत सही। ओके तो बाकियों को जो है मैं इधर डाल देता हूँ। एंड ये है हमारा सामान वाला क्रेट है जिसके अंदर ये पिकअप पड़ी मेरी, एंड इसको भी ले लेते हैं। एंड तू भी आ जा। लाइक फार्म काफ़ी अच्छा है बट वो है पोर्टल थोड़ा सा छोटा है, तो स्पॉन नहीं होंगे इतने एंड आपको इतनी अच्छी एक्सपी नहीं मिलेगी। बट लूटिंग फ्री और शार्पनेस एक्स के साथ अगर आप बैठोगे यहाँ पे तो लूट काफ़ी मिल जाएगी, ठीक है। तो अभी हमारे पास 64 गोल्ड ब्लॉक्स भी हो चुके हैं, तो जल्दी से चलते हैं एंड इसको भी सबमिट कर देते हैं, ठीक है। ओके गाइज हमारी क्वेस्ट भी कंप्लीट हो चुकी है एंड लेट्स वेट फॉर अ रिवॉर्ड। एंड यप गाइज यहाँ पे रिवॉर्ड भी आ चुका है एंड हमारे पास व्हाट द हैक इज दिस गाइज, अनब्रेकिंग 500, फॉर्चून 5, एफिशिएंसी 50, सीरियसली एफिशिएंसी 50 है इसके अंदर। एंड ओके ठीक है, ये भी सेम है, एफिशिएंसी 50, अनब्रेकिंग 500 एंड 6 सिल्क टच बेसिकली, ठीक है। एंड इनको भी इकट्ठे कर लेते हैं, ठीक है। एंड गोल्डन एप्पल मिले हैं हमको, 64 गोल्डन एप्पल एंड गोल्ड के ब्लॉक मिले हैं भाई, ये कुछ ज़्यादा ही हो रहा है, ठीक है। एंड लेट्स क्वेस्ट क्या है, 8th क्वेस्ट है ये, क्या है 64 डायमंड ब्लॉक में करना है, मेरे को खेलना ही नहीं भाई, मैं खेल ही नहीं रहा ये। तो गाइस देखो ये करना तो पड़ेगा बट ये कुछ ज़्यादा ही है, ठीक है। बट मैं आपको एक ट्रिक बता दूंगा कैसे करना है। एंड सबसे पहले हम अपने सामान को जाके रख लेते हैं, ठीक है। एंड मैं थोड़े से आइटम फ्रेम ले लेता हूँ एंड मैं आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ, मैंने एक और चीज़ बनाई थी जो मेरे को लगा था कि मैं आपको एंड में दिखाऊंगा, बट चलो अभी दिखा देते हैं। एंड यहाँ पे आप एक गेट देख सकते हो गाइस, इस गेट के पीछे हमारी लेबोरेटरी है। यप ये देख सकते हो गाइस, सारी की सारी जितनी भी वो प्रीशियस चीज़ें हैं, जैसे होता नहीं उनके लिए जगह होती है प्रीशियस चीज़ों के लिए, ये सेम टू सेम वैसी है, ठीक है। वेट मिनट पे आइटम फ्रेम लगा देता हूँ सभी पे एक एक एंड आई थिंक सो कि मुझे इसे थोड़ा सा बड़ा करना पड़ेगा क्योंकि अभी 2 क्वेस्ट और पड़े हैं एंड मुझे लगता है कि मुझे अगले में ही 2 मिल जाएंगे, तो मुझे इसको थोड़ा सा बड़ा करना पड़ सकता है, या मैं यहाँ पे एक लगा दूंगा तो 2 इधर आ जाएंगे एंड 2 इधर आ जाएंगे, तो या हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो हमारी सारी की सारी चीज़ें, एक्सपी हेड है, सारी की सारी चीज़ें यहीं पर पड़ी हैं, ये देखो ये भी है सिंपल वेरी पावरफुल शार्ड, देख सकते हो सारी चीज़ें यहीं पर पड़ी हैं। एंड ये भी चीज़ें अब इसके अंदर ऐड हो चुकी हैं एंड ये चीज़ें सच्ची में गाइस तबाही हैं, कतई ज़्यादा तबाही हैं, ठीक है। एंड ये रूम काफ़ी ज़्यादा अच्छा भी लग रहा है, ठीक है, मेरे हिसाब से, अगर आपको नहीं पसंद आया तो बता देना, ठीक है। अब देखो गाइस 64 डायमंड ब्लॉक्स का सीन तो कुछ ज़्यादा ही गलत है, ये तो गाइस हद से ज़्यादा गलत कर रहे हैं ये लोग। तो 64 डायमंड ब्लॉक के लिए जो है आपको ग्रेवल चाहिए बहुत सारा, जो मेरे पास नहीं है। नाइस मेरे पास बिल्कुल नहीं है, तो मैं ग्रेवल के लिए जो है सबसे पहले ये सारा ग्रेवल लेता हूँ एंड इनको डबल कंप्रेस मारता हूँ, ठीक है। ओके तो इसको डबल कंप्रेस मारने के बाद जो है मुझे इसको तोड़ना पड़ेगा एंड इसको जो है इसको चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी ये डबल कंप्रेस हो गया तो ये थोड़ा सा तेज प्रोवाइड करेगा हमको, ठीक है। तो आपको बस ये सारा का सारा ग्रेवल निकाल लेना है एंड इन सभी को डबल कंप्रेस मार देना है, ठीक है। ओके अब सभी को डबल कंप्रेस मार दिया, अभी आपको जाना है यहाँ पे अपने सेफ मैश सेफ, ये क्या है इसको सी बी, हाँ क्या कहते हैं इसको, मैं नाम कैसे भूल गया इसका, मैश सेफ, ओके ठीक है। तो आपको सेफ करना है इन सभी को, ठीक है, एंड इससे आपको जो है डायमंड मिलने के चांस रहते हैं, ठीक है। ओके तो ये तो सारा ख़त्म ही हो गया मेरा इतना जल्दी। अब गाइस पूरा देखो यहाँ पे पड़े हैं थोड़े से डायमंड के शार्ड, बस आपको डायमंड के शार्ड इकट्ठे करने हैं एंड यहाँ पे भी देखो एक दो आए रखे हैं, अब बस आपको यही करना है पूरे दिन, बस बैठ के अब ग्रेवल को करो। अब मैं भी ग्रेवल को करूँगा, देखते मिलते कि नहीं मिलते, करना तो पड़ेगा गाइस, यही करना पड़ेगा अभी।
तो इसके लिए आई थिंक सो मैं इसको ट्रिपल कंप्रेस मार सकता हूँ क्या? नहीं, अभी फिलहाल तो नहीं मार सकता हूँ, इसको होने देते हैं, देन उसके बाद आएंगे, ठीक है। तो बस गाइस आज के वीडियो के लिए इतना ही था। देखो वो डायमंड वाला ना कुछ ज़्यादा ही है, मुझे ना पहले से प्रिपेयर करना पड़ेगा, नहीं तो ये तो भाई ले लेंगे, कह के ले लेंगे। नहीं 64 डायमंड लोग, तुम लोग पागल हो? तुम 64 डायमंड कह रहे थे, मैं दे देता, खुशी खुशी दे देता मैं तुमको। पर आपने तो हमसे हमारा गुरूर छीन लिया। भी मांग रहे हैं अगले में, मुझे नहीं पता ही क्या मांगेंगे, क्योंकि लास्ट क्वेस्ट है ये, इसके बाद वाली डायमंड के बाद वाली लास्ट क्वेस्ट है, एंड उसके बाद हमारी सीरीज भी खत्म हो जाएगी, ठीक है। एंड ये लोग ना अब ले रहे हैं भाई, कह के ले रहे हैं, ठीक है। तो देखो यार, जितना ग्रेवल कर सकते हो करो, मैं अभी क्या कर सकता हूँ, ग्रेवल ही करना पड़ेगा बैठ के। तो बस फिर मिलते किसी और दिन किसी और फाड़ो वीडियो के साथ, तब तक के लिए भविष्य बना रहा।